दिस इज़ माई फर्स्ट मास्टर क्लास. आज तक मैंने ऐसा कुछ कभी किया नहीं है एंड नीदर डिड आई थिंक दैट आई हैव अचीव्ड इनफ टू बी एबल टू डू समथिंग लाइक दिस. बट आई हैव डन इट फॉर अनु. शी इज़ अ वेरी वेरी डियर फ्रेंड. एंड कैथरीन डिनर्व मैम हु इज़ एन आईकॉन एंड एन आइडियल फॉर ऑल ऑफ अस. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई थिंक बहुत सारे फिल्म स्टूडेंट्स थे सो टू बी एबल टू इंटरैक्ट विद देम एंड या इट वॉज अ फन वेरी वेरी फन सेशन एंड समथिंग दैट आई हैव नेवर डन बिफोर. दो अलग सिनेमा कल्चर हैं और आप उनसे बात कर रहे हैं और इट वॉज इंटरेस्टिंग क्योंकि जो एक तरह की फेम इंडिया में है, जो एक तरह का प्यार आई थिंक इंडियन एक्टर्स को मिलता है, वो आई बिलीव इट डजंट एग्जिस्ट एनीवेयर एल्स. इफ़ यू सी द मैडनेस दैट दीपिका इनसाइट्स एवरीवेयर. सो आई थिंक फॉर कैथरीन ऑल्सो इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी. शी वॉज लाइक इट्स अ डिफरेंट एनर्जी, यू नो. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द काइंड ऑफ फिल्म्स दैट वी मेक. Unfortunately, I think there's only certain kinds of cinema or films that are only made up to a certain production level and value, and certain films that have the money that eventually make it to a theater. But I think film festivals also allow for different kinds of filmmakers to interact, for film students to come and see what is available, what they want to do. So I think it's just keeping everyone alive, keeping cinema alive, because I think whatever we do, at the end of the day, we all love what we do, Indian cinema or global cinema. And I think it's a great way to just keep cinema alive. I think that is important that we support film festivals wherever they are in the world. As I said, the major interest for me is giving people in India, people in Bombay, the opportunity to watch films that otherwise they might not get to watch. A lot of these films would not get a normal theatrical release in Bombay because the market would be too small. When we have film festivals like Mami, I think it gives people the opportunity to get out and to watch those films. It's a huge opportunity for me more than anything else. मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि I have a lot more to achieve. बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ हासिल करना, अचीव करना बाकी है. सिनेमा ओवरऑल के बारे में मैं ये कहूँगी कि सिनेमा इज़ लाइक प्यार. जैसे प्यार कहते हैं हम लोग हमेशा कहते हैं कि प्यार इज़ अ यूनिवर्सल लैंग्वेज. सिमिलरली आई बिलीव सिनेमा इज़ अ यूनिवर्सल लैंग्वेज. कभी कभी आप यू नो इफ सम फॉरेन फिल्म इज़ प्लेइंग ऑन टीवी, हम उसको म्यूट भी करें तो कुछ ना कुछ पता चलता है कि ये सीन के अंदर ऐसा कुछ हो रहा है. एंड दैट्स बिकॉज ऑफ द फेशियल एक्सप्रेशन, इट्स बिकॉज ऑफ इमोशन. हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम सबके अंदर इमोशन है, हम सबके अंदर फीलिंग है. आई थिंक लैंग्वेज इज़ ओनली अ वे ऑफ अन एक्सटर्नल वे ऑफ कम्युनिकेटिंग, बट द वे यू कम्युनिकेट थ्रू रियल फीलिंग एंड रियल इमोशन, दैट इज़ यूनिवर्सल. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे, वेदर यू आर फ्रेंच, वेदर यू आर इटालियन, वेदर यू आर अमेरिकन, वेदर यू आर इंडियन, we are all human beings at the end of the day, and cinema is that. It's about communicating, it's about feeling, it's about emotion. Ummeed to yahi hai ki log aaye, film ko enjoy kare. It's festival season, and Happy New Year itself is such a colorful film. And when I say colorful, I don't mean in terms of actual color, but I think in terms of the feeling and the emotion. इसमें कॉमेडी है, ड्रामा है, एक्शन है, रोमांस है, इस बार थोड़ा पेट्रियोटिज्म भी है. यार लॉन्च पैड से ज़्यादा मुझे लगता है कि पीपल शुड बी एक्सपोज टू वर्ल्ड सिनेमा. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट पीपल शुड गेट टू वॉच डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्म्स. जनरली इन इंडिया वी टेंड टू फेवर मसाला फिल्म्स, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल ऑफ कोर्स, लेकिन उसके अलावा अगर उनको ऐसा मौका मिले कि वो दुनिया भर की पिक्चर देखें, it gives us the chance then to try experimenting in different ways with our films as well. I think it's very very important. I don't think that Indian actors get good roles in Hollywood. If you go over there, you get to be the hero ka dost, the guy who owns the 7-Eleven on the corner. The truth is there are no good roles for Indians in Hollywood. I'm very happy here. For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.